योग की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। कह सकते हैं जब से धरती पर मनुष्य है तब से ध्यान और योग की परंपरा है और मनुष्य धरती पर सदा से है, इसलिए ध्यान योग की परंपरा भी सदा से है। ऋग्वेद में यह मंत्र आता है, उपहरे च गिरीनाम संगते च नदीनाम धियो विप्र तत्र भवन। पर्वतों की गुफाओं में और नदियों के संगम के पास बैठकर ऋषि मनुष्य अपनी बुद्धि को शुद्ध करते हैं। ध्यान का संकेत है। जो मनुष्य शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ जीवन जीना चाहता है उसके लिए ध्यान अत्यंत आवश्यक है। और हर मनुष्य स्वस्थ होकर ही जीना चाहता है, प्रसन्न होकर जीना चाहता है। प्रसन्नता वह बाहर खोजता है, सुख का स्रोत बाहर खोजता है, जबकि प्रसन्नता और सुख का स्रोत बाहर नहीं है, अंदर है। बाहर से जो सुख मिलता है वह सुख नहीं है, सुखाभास है, एक प्रतीति है, छलावा है। वस्तुतः सुख है मन की एकाग्रता में, मन की निर्मलता में, और उसके लिए ध्यान की आवश्यकता है। कल बात आई थी कि ध्यान करने के लिए ध्यान रखना आवश्यक है, खाने पीने में, चलने फिरने में, सोने जागने में, काम धाम करने में, उठने बैठने में, सोचने विचारने में, हर बात में ध्यान रखना। ध्यान रखने का मतलब सावधानी रखना, जो करना जागरूक होकर के करना, पूरी तन्मयता से करना, डूब करके करना। तो उसमें कहीं फिर गड़बड़ी नहीं होगी। हम होश में नहीं रह पाते,
बेहोशी में जीवन जीते हैं। जब जब तन से मन से वचन से किसी प्रकार की कोई गलत क्रिया या गलत हरकत होती है उस समय हम होश में कहाँ रहते हैं, जागते कहाँ हैं, बेहोशी में हो जाते हैं, सो जाते हैं, गाफिल हो जाते हैं। वेद में एक मंत्र आता है, ऋषि बोध प्रतिबोधाव सपनो यश्च जागरवी तौते प्राणस्य गोप्तारो दिवा नक्तम च जागरिताम। हर मनुष्य के अंदर दो ऋषि निवास करते हैं, उनमें से एक का नाम है बोध और एक का नाम है प्रतिबोध। ऐसे बोध का अर्थ होता है तृप्ति, संतुष्ट। बोध का अर्थ होता है यथार्थ ज्ञान, जैसे आत्मबोध, तत्वबोध, स्वरूप बोध, तात्विक ज्ञान। जो जैसा है उसको वैसा समझ लेना। यहां पर हम कह सकते हैं बोध का अर्थ है व्यवहारिक ज्ञान और प्रतिबोध का अर्थ है आत्मिक ज्ञान। प्रति का अर्थ होता है लौटना, अपनी ओर लौटना। तो प्रतिबोध का अर्थ है यहां पर स्वयं को जानना। पूरी दुनिया में अध्ययन के दो विषय हैं, पर और स्व। पर शरीर से लेकर संसार तक जो कुछ मन और इंद्रियों से जानने में आता है, पकड़ने में आता है, पर है, जड़ है। स्व खुद, सेल्फ, अपना आपा। तो पर का ज्ञान तो हमको है ही, बाहर दुनिया सदैव हमारे सामने है, और इंद्रियों से आंख, नाक, कान, जीव, त्वचा, मन से हर समय हम दुनिया का ही तो ज्ञान करते हैं, लेकिन उन्हीं में भूल जाते हैं, सुप्त हो जाते हैं, आसक्त हो जाते हैं। बस भूल जाना, उनमें आसक्त हो जाना, अहंत ममता बना लेना, यही हमारे लिए दुख और बंधन के कारण बनते हैं। प्राणियों, मनुष्यों के साथ व्यवहार करना, एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक जीना, सेवा सहायता करना, पदार्थों का जीवन निर्वाह के लिए, दूसरों सेवा के लिए प्रयोग करना, यह बंधन का कारण नहीं है। बंधन का कारण है अहंता ममता बना लेना, मोह बना लेना। और जहां अहंता ममता बनी, मोह हुआ, आसक्ति हुई, वहां हम सो गए। और सच यह है जब हम सो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, तभी किसी के लिए हमारे मन में अहंता ममता बनती है। पूरी जागृति में, होश में अहंता ममता नहीं बनेगी, प्रयोग होगा, व्यवहार होगा। तो यहां प्रतिबोध का अर्थ है अपनी ओर लौटना, स्वयं को जानना। व्यवहारिक ज्ञान की भी जरूरत है,
लेकिन व्यवहारिक ज्ञान हमारा साधन है, आत्मिक ज्ञान से ही पूर्ण मानसिक संतुष्टि मिलेगी। हर मनुष्य के अंदर बोध और प्रतिबोध, ये दो ऋषि हैं। उनमें से एक सदैव जागता रहता है और दूसरा कभी सोता नहीं है। तो जो जागेगा नहीं, जो हमेशा जागेगा वही तो नहीं सोएगा, और जो नहीं सोएगा वो जागेगा। यहां सदैव जागने का अर्थ है पूरी तरह से सावधान रहना, कहीं भी गाफिली ना हो, असावधानी ना हो, सब समय जागरूक जागरूक होश में जीना, खाएं होश पूर्वक, ज्यादा नहीं खाओगे फिर गलत चीज नहीं खाओगे, समय वृद्ध नहीं खाओगे, स्वाद चक्कर में पड़ करके नहीं खाओगे, बोले होश पूर्वक, चले होश पूर्वक, काम धाम करें होश पूर्वक, सोचे होश पूर्वक, यही तो ध्यान रखना है, यही जागना है। बैठे हैं, मन कहां से कहां चला गया, क्या क्या सोच रहा है, कल्पनाओं में, चिंताओं में, यादगिरियों में भटक रहा है, कहां जाग रहा है। यदि हम सब समय जागते रहें तो कभी हमारा मन अन्यथा बात नहीं सोचेगा, नकारात्मक बात, वासनात्मक बात, उत्तेजनात्मक बात, ईर्ष्या और द्वेष की बात सोचेगा ही नहीं, सो जाते हैं तब होता। तो सदैव जागे, जागना ही ध्यान रखना है, और तब आगे ध्यान की यात्रा प्रारंभ होगी। न सोना का अर्थ है प्रमाद में न पड़ना, आलस निद्रा तंद्रा में न पड़ना। प्रमाद का एक अर्थ होता है अहंकार, लेकिन प्रमाद का खास अर्थ है जो करना चाहिए उसे नहीं करना, और जो नहीं करना चाहिए उसको करना। दुख का कारण, भटकाव का कारण यही है। हमारा ध्यान बढ़ जाता है, आलस, जानते हैं काम करना चाहिए फिर भी नहीं करते हैं, कल पर टाल देते हैं, ये प्रमाद, ये सो जाना है। तो ध्यान करने के लिए ध्यान रखना होगा। सब समय हर बात में ध्यान ध्यान रखें। फिर कल बताया गया था, पुनः एक रिपीटेशन में करता हूं उसको। ध्यान का व्यवहारिक और प्रारंभिक अर्थ है मन की एकाग्रता, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। और मन की एकाग्रता बहुत जरूरी, बहुत जरूरी है। कहा गया था एक अग्र, सामने किसी एक विषय का होना एकाग्रता होना है। यह भी कह सकते हैं जब जो काम करना उसी में मन को पूरी तरह से तन्मय कर देना, तल्लीन कर देना, डुबा देना, फिर आपका हर काम ध्यान बन जाएगा। खाने बैठे पूरी एकाग्रता के साथ खाएं, कुछ ना सोचें, आपका खाना खाना ध्यान बनेगा।
भोजन का आनंद आएगा। लेकिन खाने बैठते हैं, हाथ अपने आप, अब आंख बंद कर, मुंद करके आंख बंद करके जाए, अंधेरी रात में खाओ, हाथ थाली में जाएगा, रोटी तोड़ेगा या ग्रास उठाएगा और मुख में ले जाएगा, दांत चबाने का काम करेंगे और जीभ इधर उधर पलटने का काम करेगी, अंत में निकल जाएंगे आप। ये तो आप कर रहे हैं, ये तो आदत है, लेकिन मन खाने बैठे हैं, दुकान में घूम रहा है, खेत में घूम रहा है, किसी को गाली दे रहा है, किसी से झगड़ा कर रहा है, किसी से सौदाबाजी कर रहा है, एक साथ आप कितने काम कर रहे हैं। इसलिए क्या खा गए, कितना खा गए, भोजन कैसा रहा पता नहीं चला। आप लोगों का अनुभव होगा कि कई बार ऐसा अवसर आया होगा जब आप भोजन करने बैठे हैं, पांच सात मिनट बीत गए भोजन करते करते, भोजन बनाने वाले ने पूछा, ये बताओ तो सब्जी में नमक कैसा है। अच्छा रुको बताता हूं, अभी तक कहां थे, पांच सात मिनट खा लिए पता नहीं चला, तो आप वहां थे ही नहीं, शरीर आपका था, मन वहां नहीं था, इसलिए पांच सात मिनट खा लिए पता ही नहीं चला कि सब्जी में नमक है भी कि नहीं है। एक अच्छे ऋषि हुए हैं, बड़े लेखक हुए हैं, पुरानी बात है, नाम इसमें याद नहीं आ रहा है उनका, वे थे, उनकी माँ थी, वे कोई किताब लिख रहे थे, बहुत दिन हो गए थे, दो चार महीने बीत गए थे लिखते लिखते, हमेशा हर समय उस किताब में उनका मन डूबा रहता था। माँ भोजन बनाती, लाकर रख देती, खा लेता, फिर बस नहाना और दैनिक क्रिया आदि के अलावा बस किताब में ही डूबा रहना। दो चार महीने बीत गए, एक दिन भोजन करने बैठे तो उसने कहा, माँ लगता है कि आज तुम सब्जी में नमक डालना भूल गई हो। तो माँ ने कहा, बेटा लगता है आज तुम्हारा किताब लिखना पूरा हो गया, सब्जी में नमक तुम्हें किसी ने छोड़ने में डाली है आज तक, आज पता चल रहा है पहली बार लगता है आज तुम्हारा किताब पूरा हो गया है। तो एकाग्रता, खाने बैठो खाने में मन डुबा दो, पढ़ने बैठो पढ़ने में मन डुबा दो, थोड़े समय पढ़ेंगे अद्भुत आनंद आएगा, और जो पढ़ेंगे उसमें बहुत कुछ याद रहेगा, दिमाग में बात बैठ जाएगी, पढ़ रहे हैं और मन कहीं से कहीं घूम रहा है, क्या पढ़े पता ही नहीं चला। हाँ, ऐसा मन न डुबाना जैसे कि एक लड़के ने डुबाया था। एक लड़का अपने कमरे में बैठा पढ़ रहा था, उसका पिता आया, पुकारा नाम लेकर के, मान लो रमेश, रमेश क्या कर रहे हो, कि पिताजी पढ़ रहा हूं। पढ़ रहे हो, अरे बत्ती चली गई, अरे बत्ती चली गई, कब गई मुझे पता ही चला, ये पढ़ना नहीं पढ़ना है, मतलब पढ़ थोड़ा रहा था। तो पढ़ते समय आप एकाग्र कर दो मन को, पढ़ना ध्यान बनेगा, जो भी काम करें एकाग्रता पूर्वक,
फिर देखें आप उसमें कितना आनंद आता है, काम कितना बढ़िया होगा। किसी भी काम को बिना एकाग्रता के करोगे तो आपका शरीर जल्दी थकेगा और मन जल्दी थकेगा, और काम समय से पूरा नहीं होगा, बढ़िया नहीं होगा। लेकिन किसी काम को एकाग्रता के साथ करेंगे तब न तन थकेगा न मन थकेगा, समय से काम पूरा होगा और बढ़िया होगा। मन की एकाग्रता में बहुत शक्ति है, हमारी शक्ति बिखरी हुई है। हर आदमी के पास शक्ति का अखंड भंडार है, खजाना स्रोत है, लेकिन हमारी शक्ति बिखरी हुई क्योंकि मन बिखरा हुआ है, चंचल है। बड़े बड़े कवि, लेखक, संत, महात्मा, वैज्ञानिक अद्भुत अद्भुत काम जो कर गए, उसके पीछे क्या है? एकाग्रता, तन्मयता, डेडिकेशन। सहज उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि हमारे मन की एकाग्रता में कितनी शक्ति है। सब जानते हैं, पुनः याद करो, इस समय तो बरसात का मौसम है, आज ही सूरज दिखाई नहीं पड़ रहा है, सूरज उगता है, सूरज की किरणें धरती पर फैलती है। गर्मी के दिनों में जेठ बैसाख महीने में कितनी प्रचंड किरणें होती हैं सूरज की। दोपहर के समय में तो पेड़ पौधे सब झुलस जाते हैं, आदमी परेशान हो जाता है, लू चलती है। लेकिन सूरज की किरणें कितनी प्रचंड क्यों ना हो, सबको झुलसा रही है सूरज की गर्मी। सूरज की गर्मी से कहीं आग लगते हमने न देखा है न सुना है, लेकिन उसी सूरज की किरणों को मैग्नीफाइंग शीशक द्वारा किसी एक जगह पर एकाग्र कर दो, एक बिंदु पर केंद्रित कर दो, थोड़ी देर में आग लग जाएगी। वही सूरज की किरणें फैली हुई है, आग नहीं लगेगी, उसको एक बिंदु पर एक शीशा द्वारा केंद्रित कर दो, आग लग जाएगी। ऐसे ही हमारे मन की शक्ति बिखरी हुई है, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उसको कहीं किसी में, काव्य में, कला में, कौशल में, गायन में, संगीत में, लेखन में, प्रवचन में, साधना में, विज्ञान में, कहीं आप एकाग्र कर दो, अद्भुत काम हो जाएगा। इसलिए मन की एकाग्रता आवश्यक है, बिना एकाग्रता के ध्यान नहीं हो पाएगा। तो ध्यान का व्यवहारिक और प्रारंभिक अर्थ होता है मन की एकाग्रता। ध्यान का अर्थ होता है वर्तमान में जीना। हम वर्तमान में कहां जीते हैं? या तो हम भूत में जीते हैं, या हम भविष्य में जीते हैं। भूत और भविष्य दोनों के बोझ हमारे कंधों पर लदे हुए हैं, पुरानी पुरानी बातों को याद कर रहे हैं, जो देखा सुना, खाया पिया, भोगा है, किसी ने कुछ कहा है, कहीं गए हैं, उनकी याद। समय बीत जाता है, पता नहीं चलता। पुरानी बातों की याद करते रहना मुर्दा ढोना। हम तो मुर्दा ढो रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? पुरानी जितनी भी बातें हैं, कल की भी बात मुर्दा हो गई है, अब उसी में हमारा मन डूबा हुआ है। ये मुर्दा ढोना ही तो हुआ। या फिर सपना देख रहे हैं भविष्य का, कल्पना कर रहे हैं ऐसा होगा, वैसा होगा, वैसा होगा, वैसा होगा। जो चीज अभी वर्तमान में मिली हुई है उसको उपयोग नहीं कर पा रहे हैं,
सुखद कल्पना कर रहे हैं, सपना देख रहे हैं आगे के लिए। भूत हाथ आने वाला नहीं है, भविष्य केवल कल्पना है, क्या होगा पता नहीं। और दोनों की चिंता में वर्तमान खो गया, वर्तमान अपना है। जो बीत गया सो मुर्दा है, आने वाला सपना है, जिसमें हम बंधन काटे वर्तमान समय अपना है। गुरुदेव जी की पंक्तियां हैं एक कविता में। वर्तमान में होने का अर्थ है अपने में होना। हमारा जो स्वरूप है, हमारी जो चेतना है, वो भूत नहीं है। जीव का होना भूत नहीं है, भविष्य भी नहीं है। जो सत्य होता है वो सदैव वर्तमान होता है। और हमारे चेतना, हमारा होना परम सत्य है। उस जितना हम वर्तमान में रहेंगे उतना हम अपने से जुड़े होंगे। जितना हम भूत या भविष्य में होंगे अपने से दूर दुनिया में जुड़े होंगे। किसकी याद करते हैं आप? दुनिया की। आंखों से रूप देखा, कानों से शब्द सुना, नाक से गंध ग्रहण किया, जीव से स्वाद ग्रहण किया, त्वचा से स्पर्श किया, मन कल्पना किया, वही तो सोचोगे। और सब दुनिया है, मायावी चीजें हैं। कल्पना किसकी करोगे आप? देखने की, सुनने की, खाने की, पीने की, आने की, जाने की, उसी कल्पना को भी दुनिया है। अपना होना तो है नहीं। अपने में होना, अपने में लौट आना, यह वर्तमान में होना है। अब यही ध्यान है। पूरी जागरूकता, मन पूर्ण जागरूक, पूर्ण ज्ञान में डूबा है, लेकिन न भूत न भविष्य। इसके लिए कई बार उदाहरण दिया गया है, पुनः याद दिला देता हूं। जैसे दोपहिया या चार पहिया वाहन, जो गियर वाले होते, जिसमें गियर, जिनमें गियर होते हैं, आपने चाबी लगाई, चाबी घुमाई, आपकी गाड़ी, आपका वाहन चालू, इंजन से आवाज आ रही है गाड़ी वाहन चालू होने की। लेकिन आपकी गाड़ी न्यूट्रल गियर में है, कहां जाएगी? आगे या पीछे? ना आगे जाएगी ना पीछे जाएगी, गाड़ी जहां की तहां खड़ी रहेगी। न्यूट्रल गियर में है ना गाड़ी, इंजन चालू है। अब एक्सीलेटर लेते हो, आवाज आएगी भर भर के, लेकिन आगे पीछे नहीं जाएगी, क्योंकि न्यूट्रल गियर में आपने गाड़ी रखी है। आपने रिवर्स गियर लगा दिया, गाड़ी पीछे जाएगी। पहला, दूसरा, तीसरा गियर लगाया, गाड़ी आगे जाएगी। मन की गाड़ी को सदैव न्यूट्रल गियर में रखो, हर समय ध्यान है। रिवर्स गियर, बीती बातों की याद, डूबा रहा है मन, भागी जा रही है हमारे मन की गाड़ी। पहले दूसरा गियर, भविष्य की कल्पना, अपने से दूर होते चले गए। सब समय अपने मन की गाड़ी को आप न्यूट्रल गियर में रखो। ये तो वर्तमान में होना, यही अपने में होना है। आप केवल वर्तमान में सोचें। क्या सोचोगे आप? यहां बैठे हैं, आप क्या सोचोगे? सोच ही नहीं सकते वर्तमान के लिए। ये अपने में होना, यही तो ध्यान है। अपने में हम नहीं होते हैं, मन के चक्कर में बहते रहते हैं, और मन ही हमें दुनिया से जोड़ता है। जैसे नदी के दो तट आपस में कभी नहीं मिलते, नदी के दोनों तटों को मिलने का अर्थ होता है नदी का समाप्त हो जाना। कोई भी नदी हो, उसके दोनों तट कभी आपस में जुड़े ही नहीं होंगे, अलग अलग। लेकिन आप पुल बना दो,
दोनों तट मानो जुड़ गए। पुल नदी के दोनों तटों को जोड़ने का काम करता है। ठीक ऐसे ही दुनिया बिल्कुल अलग और जीव बिल्कुल अलग, जड़ और चेतन ये दोनों बिल्कुल ही अलग अलग हैं। दोनों में कोई भी समानता नहीं है, बिल्कुल अलग, हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स इसलिए कहता है, अंग्रेजी में कहना चाहे तो। लेकिन मन एक ऐसा पुल है जो जड़ और चेतन दोनों को जोड़ रहा है। मन द्वारा ही हमको दुनिया का ज्ञान होता है। मन के पुल को तोड़ दें, दुनिया अपने में, हम अपने में, अब मन का पुल कब टूटेगा? जब न भूत की स्मृति होगी, न भविष्य की कल्पना होगी, और हमारा मन इन्हीं में तो दौड़ता है, स्मृति में या कल्पना में। जितना दौड़ता गया मन, जितना दौड़ता गया मन, उतना हम अपने से दूर होते चले गए। अब फिर तो सुख दुख के झमेले में पूरा जीवन बीत जाता है, वो मानसिक शांति प्रसन्नता का अनुभव हम नहीं कर पाते। तो ध्यान वर्तमान में होना है, वर्तमान में जीना है, और अपने में होना है, अपने में लौट आना है, सबसे अलग हो जाना है। ध्यान में करना कुछ होता नहीं है, न करना ही ध्यान है। जब हम कुछ करना दुनिया में, जब कुछ भी करते हैं तो दुनिया, नहीं करते हैं तो अपने आप। नहीं करने का अर्थ शरीर से न करना नहीं है, मन से न करना। शरीर से तो मेहनत करनी पड़ी, कर्म करना पड़ेगा, तभी भोजन मिलेगा, तभी जीवन निर्वाह की चीजें मिलेगी। बिना कर्म किए जीना संभव ही नहीं है। लेकिन न करने का अर्थ क्या है? जिस समय आप करते हैं, कोई व्यवहार का काम कर रहे हैं, कोई एक्टिविटीज है आपके पास, उस समय निष्काम मन, डिजायरलेस, जो काम करें सेवा भावना से करें, कर्तव्य समझ कर करें, निष्काम होकर के करें, तो कर्म करते हुए भी आप मानो नहीं कर रहे हैं। कर्म करे और रहे अकर्मी, ऐसी युक्ति बतावे, सदगुरु कबीर कहते हैं। कर्म करते हुए ही अकर्मी कैसे रहा जाए? निष्काम भावना, अनासक्ति भाव, सहज कर्तव्य, ये व्यवहार की बात है। और जब साधना में बैठे हैं तब न करने का मतलब है न सोचना, कुछ याद ना करना, मन को बिल्कुल निरुद्ध कर देना, शांत कर देना, जिसके लिए योग दर्शन में कहा गया योगश चित्तवृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों का पूरा निरोध कर देना, रोक देना, ये योग है। इसी को हम ध्यान कहते हैं, ध्यानम निर्विषयम मनः, मन का निर्विषय हो जाना। निर्विषय होने का मतलब पदार्थ, पदार्थ मतलब सोचना, चिंतन, मन से कुछ न करना, बिल्कुल शांत मन, विचार मुक्त, संकल्प मुक्त मन। जब ऐसा हुआ तो अपने आप में हम हो गए। ध्यान होना है, करना नहीं है, पाना नहीं है, होना है। हमारे जीवन के चार स्तर हैं, चार तल, शरीर, मन, हृदय
और चेतना। शरीर के स्तर पर जब हम होते हैं तो क्रिया करते हैं, कर्म करते हैं। क्रिया और कर्म, कोई इच्छा रख करके, कुछ पाने की इच्छा रखकर जो कुछ किया जाता है वो कर्म है। जिस दिन पाने की इच्छा नहीं है वो क्रिया है। आप पेशाब गए, क्या पाने की इच्छा आपको है? शौच गए, क्या पाने की इच्छा आपको है? वहां केवल क्रिया हो रही है, पाने की इच्छा कुछ नहीं है। पलकें गिर रही है हमारी, क्रिया हो रही है। जड़ तत्वों में भी जड़ तत्वों में, प्रकृति के तत्वों में केवल क्रिया होती है। पानी गिरता है, हवा चलती है, आग जलती है, भूकंप आता है, वहां क्रिया, वहां कर्म नहीं है। कुछ पाने की, हटने की इच्छा नहीं है। लेकिन जब कुछ काम रख करके करते हैं, कामना रख करके, इच्छा रखकर, संकल्प सोच करके करते हैं तो कर्म हो जाता है। शरीर के स्तर पर हम कर्म करते हैं या क्रिया करते हैं। मन के स्तर पर हम चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, स्मरण करते हैं। बिना मन के चिंतन, मनन, स्मरण, कल्पना संभव ही नहीं है। तो मन के स्तर पर जब होते हैं हम, तो स्मरण, चिंतन, मनन, कल्पना आदि करते हैं। और जब भावना के स्तर पर होते हैं, हृदय के स्तर पर होते हैं, तब श्रद्धा करते हैं, प्रेम करते हैं, भक्ति करते हैं। ईर्ष्या द्वेष भी हो जाता है उसमें। प्रेम, भावना, भक्ति, श्रद्धा, ये सब एक ही बात है। हृदय, ये सब होते हैं हृदय के स्तर पर। इसमें भी क्रिया है। श्रद्धा में कुछ करना होता है, भक्ति में करना होता है, प्रेम में करना होता है। लेकिन चेतना के स्तर पर जब होते हैं तब करना नहीं होता, वहां होना होता है। चेतना में करना कुछ नहीं, केवल होना है, केवल उपस्थिति है। ध्यान उसी चेतना के स्तर पर पहुंचना है, केवल होने के लिए। पाना वाना कुछ नहीं है, ना प्रेम है, ना श्रद्धा है, ना ईर्ष्या है, ना मनन है, ना चिंतन है, कुछ भी नहीं है। भावना के स्तर, चेतना के स्तर पर। और चेतना हमारा अपना आपा है, हमारा होना है, हमारा एग्जिस्टेंस है, हमारे हमारा अस्तित्व है। तो जब भी हम करते हैं, सोचते हैं, श्रद्धा होती है, तब हम दुनिया में होते हैं। जब कुछ नहीं करते, होते हैं, तब अपने आप में होते हैं। उस अपने आप में होने के लिए ही ध्यान की आवश्यकता है। बिना ध्यान के हम अपने आप में नहीं हो सकते, वहां पहुंच ही नहीं सकते, उसका अनुभव ही नहीं होगा, साक्षात्कार ही नहीं होगा। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए बहुत कुछ करना हो, एक लंबी प्रक्रिया होगी। उसी प्रक्रिया को समझने के लिए, अभ्यास करने के लिए हम लोग यहां इकट्ठे हुए हैं। और कहा गया कि श्वास परीक्षा, तो वो मन को रोकने के लिए, मन के एकाग्र करने के लिए, ध्यान नहीं है। धीरे धीरे हम आज पर आगे बढ़ेंगे। थोड़ी देर बत्ती बुझा दें और 15 मिनट के लिए सभी लोग फिर शांत होकर के ध्यान का अभ्यास करें। एकाग्रता सावधानी रखनी है पूरी। जैसे ही बत्ती बुझती है, आंख बंद होती है, कई लोगों को झूमना शुरू हो जाता है। सोचना नहीं है, झूमना नहीं है, देखना नहीं है, केवल श्वास परीक्षा या दृष्टाभ्यास, जो जैसा लगे।